हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने लास्ट क्लास में हमारे जैव मंडल और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्टार्ट कर दिए थे, और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ऑल एग्ज़ाम, आप NPPSC हो गया, UPSC हो गया, अदर स्टेट एग्ज़ाम हो गया, MPSI हो गया, पटवारी हो गया, रेलवे हो गया, RRB हो गया, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जीके में आता है, सामान्य ज्ञान में, है ना। तो हमने जो चार बायोस्फीयर रिजर्व है वो हमने देख लिए थे, कौन कौन से देख लिए थे, नीलगिरी देख लिया था है ना, उसके बाद मन्नार की खाड़ी देख लिया था, और एक कौन सा देख लिया था, और एक नंदा देवी देख लिया था, है ना। इसकी लोकेशन भी हमने देख ली थी, ये कहाँ पे, केरल है ना, तीन राज्यों में, केरल, कर्नाटक में, है ना। और ये मन्नार की खाड़ी कहाँ पे, तमिलनाडु में। या मुझसे क्या, जो मैप है उसमें थोड़ा गलत मैंने लोकेशन आपको बता दी थी, तो जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर है ना, तमिलनाडु की यहाँ पे सीमा पर, है ना। तो मन्नार की खाड़ी हो गई, नंदा देवी हो गई, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, है ना। तो ये सब हमने देख लिया था। इसको जैव मंडल में कब शामिल किया गया था, नीलगिरी को 1989 में किया था। और बायोस्फीयर रिजर्व में कब शामिल किया था, मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कब किया था, ये कब किया था, 2000 में किया था। ये प्रथम यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल राष्ट्र वो जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व है ना। और जैव मंडल में कब शामिल किया था, 1989 में। इसी प्रकार इसको कब किया गया था, इसको 1989 में जैव मंडल में शामिल किया गया था। और यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में कब शामिल किया गया था, 2001 में। जो मैं 12 है यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल, वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक तो आपका नीलगिरी हो गया, सेकंड आपका मन्नार की खाड़ी हो गया, थर्ड आपका क्या हो गया, नंदा देवी, है ना। थर्ड क्या हो गया, नंदा देवी। इसको जैव मंडल में कब शामिल किया गया था, जैव मंडल में ये हमने कल ही पढ़ लिया था, 1988 में जैव मंडल में शामिल किया गया था। और 2004 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। तो हमने देख लिया नीलगिरी को कब, 2000 में, मन्नार की खाड़ी को 2001 में, और नंदा देवी को 2004 में। ये हम सीक्वेंस वाइज ही पढ़ रहे हैं कि आपको याद रहे, है ना। बाकी मैं आपको इसको अच्छे से ट्रिक वाइज बता दूंगी, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुंदरबन, जिसको जैव मंडल में कब शामिल किया गया था, जैव मंडल में इसको शामिल किया था 1989 में, इसको जैव मंडल में शामिल किया गया था। और 2001 में इसे कब बायोस्फीयर की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब हम सुंदरबन की लोकेशन देखते हैं, ये कहाँ पर है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो हमारा पश्चिम बंगाल कहाँ है, यहाँ है। ये रफ मैप है, तो आप इसको, अगर आप जो मैप है आपका एटलस, उससे आप देखना, तो उससे आपको ये सही लोकेशन पता चलेगी, है ना। बाकी ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो यहीं पर लोकेटेड है। और यहाँ पे क्या, ये सुंदरबन कहाँ, सुंदरबन कहाँ पे, हमारा पश्चिम बंगाल में, है ना। पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरबन है ना। इसको जैव मंडल में कब शामिल किया, 1989 में जैव मंडल में शामिल किया, और बायोस्फीयर की सूची में 2001 में शामिल किया। कहाँ पर लोकेशन है, पश्चिम बंगाल। डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, जैव मंडल में कब शामिल किया, बायोस्फीयर की यूनेस्को की विश्व सूची में कब शामिल किया, 2001 में। और कहाँ पर है लोकेशन, पश्चिम बंगाल में। प्रमुख चीज़ें क्या है, बंगाल रॉयल टाइगर यहाँ के प्रमुख है ना। और विशेष क्या, यहाँ पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं, जो कि हेरी सियरा फेमिस प्रजाति के पाए जाते हैं। कौन से, हेरी सियरा फेमिस प्रजाति के क्या, मैग्रोव वन पाए जाते हैं ना। मैग्रोव वन क्या, खारे पानी में उगते हैं ना, क्या होते हैं, खारे पानी में, है ना। और इनका जो उत्पादन है मीठे पानी में कम होता है, क्या होता है, मीठे पानी में कम होता है, खारे पानी में ये ज़्यादा होते हैं ना। फिफ्थ पढ़ेंगे हम नोकरेक जैव मंडल में शामिल कब किया गया था, नोकरेक को शामिल कब किया था 1988 में नोकरेक को शामिल किया था। और यूनेस्को की बायो रिजर्व की सूची में कब शामिल किया, 2009 में इसको शामिल किया गया है ना। ये कहाँ पर है, मेघालय में। तो हम मेघालय देखते, मेघालय हमारे यहाँ पर है असम के नीचे। तो ये मेघालय, और मेघालय में क्या है, नोकरेक। तो आप असम के नीचे आप देख लेना कि नोकरेक रहेगा ना आपका। तो इसको जैव मंडल में कब शामिल किया, 1988 में। और बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में कब शामिल किया, 2009 में, है ना। और ये कहाँ पर है, मेघालय में। यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, लाल पांडा, जिसको क्या बोलते हैं, मदर ऑफ ऑरेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदर ऑफ
ऑरेंज बोलते हैं लाल पांडव को, है ना। सिक्स नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, पचमढ़ी। पचमढ़ी जैन मंडल में कब शामिल किया, पचमढ़ी को 1999 में शामिल किया, और जो बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में कब शामिल किया, 2009 में, है ना। ये कहाँ पर लोकेशन है इसकी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये शामिल है, और ये हमारा मध्य प्रदेश जिसको भारत का दिल बोलते हैं, हृदय प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि ये बीचों बीच स्थित है ना। तो ये पचमढ़ी हो गए, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर किस चीज़ का संरक्षण हो रहा है, बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। कौन सी, बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, है ना। यहाँ पे इसका हो रहा कहाँ पे, पचमढ़ी में, है ना। तो हमने जैव मंडल का देख लिया कब, 1999 में, बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में 2009 में, है ना। और सिमलीपाल को जैव मंडल में शामिल कब किया गया, 1994 में इसको शामिल किया जैव मंडल में, और बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में कब शामिल किया इसको, 2009 में। तो अभी हमने देखे तीन जो जैव मंडल है उनको तीन एक ही सन में शामिल किया बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में। एक नोकरेक है जो मेघालय में है, दूसरा पचमढ़ी जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, और थर्ड है सिमलीपाल जिसको भी 2009 में बायोस्फीयर की यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया, है ना। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं, तो उड़ीसा ये हमारा आ जाएगा पश्चिम बंगाल के नीचे। आप मैप में एटलस में देख लेना, है ना, ये कैसा है इसकी लोकेशन। तो ये कहाँ पे, उड़ीसा में है। यहाँ पे किसका संरक्षण हो रहा है, गोर का हो रहा है, रॉयल टाइगर का हो रहा है, जंगली हाथी का हो रहा है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अचार कमार, ये कहाँ पर है, इसका जैव मंडल में कब शामिल किया गया है इसको, 2005 में इसको जैव मंडल में शामिल किया, और बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में कब शामिल किया गया, 2012 में, है ना। हम आपका मैं आपको स्क्रीन वाइज वो जो बायोस्फीयर की यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल जो है ना जैव मंडल, उसको मैं आपको बता दूंगी कितने शामिल है ना। और ये इसकी लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर क्या है, अचार कमार है ना। यहाँ पे किसका संरक्षण हो रहा है, तेंदुआ है, गोर है, चीतल आदि जानवरों को क्या संरक्षण हो रहा है ना। नाइन नंबर पे है ग्रेट निकोबार द्वीप, है ना। ग्रेट निकोबार द्वीप को भी जैव मंडल में शामिल किया गया है। इसको जैव मंडल में कब शामिल किया गया है, 1989 में इसे जैव मंडल में शामिल किया गया, और यूनेस्को की बायोस्फीयर सूची में कब शामिल किया है, 2013 में, है ना। कब किया शामिल, 2013 में। और ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, और ये क्या है, ग्रेट निकोबार द्वीप, है ना। और इसका वर्तमान नाम क्या है, श्री विजयपुरम, है ना। तो आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या होगा, श्री विजयपुरम, है ना। और प्रमुख क्या है यहाँ पे, किसका हो रहा है, समुद्री मगरमच्छ का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है ना। और दसवां क्या है, अगस्त मलाई को कब जैव मंडल में शामिल कब किया गया था, 2001 में इसको जैव मंडल में शामिल किया गया था, और बायोस्फीयर की सूची में कब शामिल किया गया था, 2016 में। इसकी लोकेशन क्या है, ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। तो ये हमारा तमिलनाडु हो गया, और ये केरल की सीमा पर क्या हो गया, अगस्त मलाई, है ना। और इसके प्रमुख किसका संरक्षण हो रहा है, नीलगिरी ताहर व हाथी का संरक्षण हो रहा है। क्या, नीलगिरी ताहर और हाथी का संरक्षण हो रहा है। 11 नंबर पे कौन सा जाएगा आपका, कंचनजंगा। इसको जैव मंडल में कब शामिल किया गया है, 2000 में शामिल किया गया है, और बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में कब शामिल किया, 2018, मतलब हाल ही के कुछ वर्षों पहले इसको शामिल किया गया, है ना। ये कहाँ पर है, सिक्किम में। तो हमारा सिक्किम ये सबसे ऊपर हो जाएगा, उत्तराखंड और नेपाल के बाद ये हमारा आ जाएगा कंचनजंगा, कहाँ पे, सिक्किम में, है ना। और इसके प्रमुख किसका संरक्षण हो रहा है, हिम तेंदुआ और लाल पांडा। कहाँ, किसका संरक्षण हो रहा है, हिम तेंदुआ और लाल पांडा का संरक्षण हो रहा है। एक नोक रेख है वहाँ पर भी क्या है, लाल पांडा, जिसे मदर ऑफ ऑरेंज कहते हैं ना। और 12 नंबर पर है डिब्रू सेगोवा। क्या है, डिब्रू सेगोवा। इसको जैव मंडल में कब शामिल किया गया, 1997 में। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है, असम में है। तो असम हमारा ये आ जाएगा मेघालय के ऊपर। तो असम में क्या है, डिब्रू सेगोवा, है ना। ये क्या है, सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, कौन सा, डिब्रू सेगोवा। आपसे मैंने सबसे बड़ा पूछा था, तो आप आज कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सेगोवा, जो कि कहाँ पर है, असम में है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, सुनहरा लंगूर, है ना, सिंगोरा लंगूर का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है ना। मैं आपको अब ये बता देती हूँ कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
जो जे बायोस्फीयर जैव मंडल है वो कौन कौन सा है ना। अभी जो हमने 12 पढ़े हैं, अभी हमारे कितने हो गए, 12 हो गए, जिसमें से 11 जो है वो जे बायोस्फीयर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। सबसे पहले तो नीलगिरी है ना, नीलगिरी, नीलगिरी हो गया ना फर्स्ट। इसको कब शामिल किया है, 2000 में शामिल किया है ना। और सेकंड हो गया आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इसको कब शामिल किया, 2001 में इसको शामिल किया। ये कहाँ पर है, ये है केरल कर्नाटक के पास है ना, सीमा पर, केरल कर्नाटक में। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु की सीमा पर है ना। मन्नार की खाड़ी हो गया, उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी इसको भी कब, 2001 में शामिल किया, सॉरी नंदा देवी को इससे पहले हम देख लेते, सुंदरवन देख लेते, क्योंकि ये सुंदरवन 2001 में किया था ना, सुंदरवन, सुंदरवन को कब किया था, 2001 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया। ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका नंदा देवी, नंदा देवी इसको कब शामिल किया, 2004 में इसको शामिल किया। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है ना। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा आपका नोकरेक, नोकरेक ये कहाँ पर है आपका, इसको कब शामिल किया, नोकरेक को 2009 में शामिल किया। ये कहाँ पर है, मेघालय में है। इसके बाद सिक्स नंबर पे आ जाएगा आपका पचमढ़ी, पचमढ़ी को कब शामिल किया, 2009 में, इसको भी 2009 में शामिल किया। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नोकरेक के बाद आएगा सिमलीपाल, सिमलीपाल 2009 में इसको शामिल किया। ये कहाँ पे, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है ना। उसके बाद एट नंबर पे आ जाएगा आपका अचार कमार, अचार कमार को कब शामिल किया गया, इसको किया 2012 में शामिल किया गया। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है ना। इसके लोकेशन मैंने आपको, सबकी लोकेशन आपको बता दी। मैं एक बार आपको जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है वो मैं आपको बता रही, ताकि आपको याद रहे है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन नंबर का मैं आपको बताती हूँ कौन सा है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप, इसको कब शामिल किया है, 2013 में इसको शामिल किया। ये कहाँ पर है, श्री विजयपुरम में है, अंडमान निकोबार में है ना, श्री विजयपुरम वर्तमान इसका नाम। और दसवें नंबर पे आएगा आपका अगस्तमलाई, अगस्तमलाई ये कहाँ पर है, तमिल, इसको कब शामिल किया गया, 2016 में। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु और किसकी, केरल की सीमा पर है ना, ये दो राज्यों में है। और 11 नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ पर है और इसको कब शामिल किया, 2018 में। ये कहाँ पे, सिक्किम में है। और अभी हाल ही में कौन सा बार बार बना है, वो कौन सा है, पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, इसको कब शामिल किया, 2020 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये कितने हो गए हमारे, 12 है ना। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितने, 12 शामिल है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ, जैसे आपको कुछ ज़्यादा, जैसे तीन हैं आपके तो वो 2009 में ही आपके शामिल किया, जैसे एक नोकरेक है, पचमढ़ी और सिमलीपाल है ना। उसके बाद सन 12 में हो गया, 13 में हो गया, 16 में हो गया, एक वर्ष का अंतर है ना, उसके बाद 3 वर्ष का है ना, उसके बाद फिर से इतने का ही अंतर हो गया है ना, 2 वर्ष का, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी, जैसे 2001 में दो को शामिल किया, मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन को, और 2000 में एक को शामिल किया, 2004 में भी एक ही को शामिल किया, किसको, नंदा देवी को है ना। बाकी ये तीन आपको ऐसे ही याद रहेंगे कि नोकरेक कब शामिल किया, 2009, पचमढ़ी कब, 2009, सिमलीपाल कब, 2009,
और मन्नार की खाड़ी 2001, सुंदरबन 2001। तो ये जो 5 सन है वो आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे क्योंकि ये सेम वर्ष में इसको शामिल किया गया है ना।